मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल आज सांवेर क्षेत्र के धर्मपुरी नगर पहुंचे, जहां भाजपाइयों द्वारा उनका आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री पटेल ने सांवेर उपचुनाव सीट भाजपा जीतने की बात कही। प्रदेश की शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री और बड़वानी के विधायक प्रेम सिंह पटेल ने इस दौरान चर्चा में कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सभी सीटें भाजपा जीतेगी। साथ ही उन्होंने राजस्थान की राजनीति पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मंत्री पटेल का भाजपा नेता विनोद चंदानी द्वारा साफा बंधवा कर स्वागत किया गया। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज हमारा उज्जैन बाबा का दर्शन का दौरा था, उसके बाद में क्या है कि कार्यकर्ता को जोश लेता है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। आज जिस प्रकार से हमारे शिवराज सिंह जी काम कर रहे हैं, उसको देख के जनता को बहुत खुशी है। लंबा अनुभव आपके पास, 85 से सरपंच रहे थे, उसके बाद मैं सरपंच में मैं 93 से विधायक हूँ। उसके बाद में आप क्या कहेंगे, 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को है और आप भी आप मंत्री के ही क्षेत्र में है, ये चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। कितनी सीटें ले जाएंगे, क्या कहेंगे? सभी सीटें जीतेंगे। ये तो मतलब अभी भी कांग्रेस के जो विधायक हैं हमारी पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। पशुपालन विभाग के लिए क्या सौगातें लेके आएंगे आप इस बार? देखो, अभी हम बने हैं इसके लिए, तो हम लोग क्योंकि गौ माता है तो हमें इसके लिए तो हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि हम बैठेंगे जब चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं भी नया नया हूँ और कल ही हम लोगों ने एक चीज पे निर्णय लिया है, तो वो भी सभी मीडिया वाले भी खुश हुए कि भाई सकते जनों के लिए कोई विशेष कुछ आपके मन में हो जी, वो भी करेंगे ना हम लोग। और आगे आप क्या कहना चाहेंगे, अभी तुलसीराम सिलावट जी के क्षेत्र में यहाँ पर और काफी मशक्कत है चुनाव में, सब लोग वोट देंगे, अच्छे वोट दोगे और अच्छे वोट तो जीतेंगे। एक घर घर तुलसी, घर घर हम भगवान को ज्यादा से ज्यादा मानने वाले लोग हैं, ऐसा इसीलिए तो आज पूरे विश्व में हम लोगों को पार्टी का नाम बजना है। एक अंतिम सवाल है, राजस्थान की राजनीति की राजस्थान की बात मत करो, राजस्थान की बात अलग है, मध्य प्रदेश की बात अलग है। हमने हमारे ऐसी प्रकार से राजस्थान में भी हमारी सरकार बनने वाली है, बनेगी। क्यों भाई, आप बड़वानी क्षेत्र से आते हैं, आप पिछड़ा कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा हुआ है क्षेत्र है, तो इस बार आप मंत्री बने हैं वहाँ पर काफी लंबे समय बाद। मैं से आप लोग कहोगे इतना काम किया है, वहाँ गधे चलते थे, वो गधे की जगह आज बसें चल रही है, जहाँ बेचारे 20-25 किलोमीटर चल के आते थे वहाँ हाट बाजार खेलने लग गए। ऐसा काम कर दिया, बिजली एक गांव में भी नहीं थी, बिजली सबको मिल गई, ऐसा काम किया। अब बचा कुछ है वो काम भी पूरा करेंगे।